क्या दोस्तों आपको पता है पत्रकारों को जेल में रखने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है सन डांस फेस्टिवल किस देश में आयोजित किया जाएगा साल 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी ऐसे ही सत्रह बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 18 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है यह वीडियो लास्ट तक देखें लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और अभी तक आपने हमारी जी के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक में एक देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई और इसमें एक देशों की सूची में भारत एक स्थान पर रहा यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक स्थान और यू के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं हाल ही में मानव विकास रिपोर्ट जारी किसने की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने और भारत का यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मूल्य वो जीरो पॉइंट सौ पैंतालीस रहा और मानव विकास सूचकांक में कितने देश शामिल रहे एक सौ नवासी देश शामिल रहे और भारत और इनके आसपास हमारे जो देश है वो कौन से स्थान पर रहे भारत के साथ साथ भूटान एक सौ उनतीसवें स्थान पर बांग्लादेश एक सौ तैतीसवें स्थान पर नेपाल एक सौ बयालीस और पाकिस्तान एक सौ चौवन आदि मध्यम मानव विकास की श्रेणी वाले देशों में शामिल रहे और वर्ष 2018 में हम बात करें तो भारत इस सूची में 2018 में 130वें रैंक पर पर रहा था और रिपोर्ट के अनुसार टॉप लेवल पर कौन कौन से देश रहे तो मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे वो शीर्ष पर रहा जबकि आयरलैंड इसमें दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर होंगकोंग चौथे स्थान पर और आइसलैंड इस रिपोर्ट में पांचवें स्थान पर रहा और मानव विकास सूचकांक किस आधार पर तैयार किया जाता है तो यह हमें याद रखना चाहिए क्योंकि क्लास वन टू की एग्जामिनेशन में खास तौर पर इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसा कि मानव विकास सूचकांक किन मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है तो इसमें जन्म के समय जीवन समय प्रत्याशा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और मातृ मृत्यु दर जैसे संकेतकों के आधार पर यह मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है और 2020 में इसकी थीम क्या में गई है 2020 में थीम, के विकास रिपोर्ट की गई। और थीम थी मानव विकास और मानव विज्ञान और मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब रिपोर्ट यह प्रकाशित किया गया था मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन सेन और पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री जिसका नाम है महमूद उल हक द्वारा यह पहली बार लॉन्च किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और यूएनडीपी की बात करें यूएनडीपी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई यूएनडीपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है स्टैनर जो इमेज में आप देख सकते हैं और यूएनडीपी की मूल संस्था कौन सी है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो इसकी मूल संस्था है और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर पत्रकारों को जेल में रखने के मामले में सबसे ऊपर कौन है पत्रकारों को जेल में रखने के मामले में शीर्ष पर है चीन देश यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन पहले स्थान पर तुर्की दूसरे स्थान पर मिस्र इसमें तीसरे स्थान पर है तो यह हाल ही में एक संस्था ने निगरानी रिपोर्ट जारी की है अमेरिका की एक निगरानी संस्था क्या नाम है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट क्या कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की सालाना रिपोर्ट के जारी की गई है यह सालाना रिपोर्ट जारी की गई है और अमेरिका की इस निगरानी संस्था के मुताबिक पत्रकारों को जेल में रखने के मामले में चीन सबसे ऊपर है और इसके बाद दूसरे स्थान पर तुर्की और तीसरे स्थान पर है मिस्र। और वैश्विक स्तर पर इस महीने की शुरुआत में अपने काम की वजह से दो पत्रकारों को जेल जाना पड़ा है और उनमें से करीब तीन दर्जन पत्रकारों पर फर्जी खबर देने का आरोप है और चीन की बात करें तो चीन में सैतालीस पत्रकार जेल में है जिनमें से तीन कोविड 19 महामारी पर सरकार के कदमों से जुड़ी खबरों के लिए जेल में है वहीं मिस्र में भी 27 पत्रकारों को जेल में जाना पड़ा है जिनमें से कम से कम तीन को कोविड 19 महामारी से जुड़ी खबरों के लिए जेल में जाना पड़ा और रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चार पत्रकार जेल में बंद है और उन पर हमारे देशद्रोह जैसे आरोप शामिल है और जब पत्रकारत्व की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब, कब मनाया जाता है? तीन मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और पत्रकार से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण अवार्ड जिनमें से एक हमारे रविश कुमार को इसी साल प्रदान किया गया पिछले साल 2019 में भारत के पत्रकार रविश कुमार को साल 2019 के रेमन मैग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हमारे भारत देश के एक जाने माने पत्रकार और पुलित पुरस्कार समाचार पत्रों की पत्रकारिता साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है पुलित पुरस्कार जो अमेरिका में दिया जाता है तीसरा क्वेश्चन फोर्ब्स ने किसको 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बताया जी हाँ फोर्ब्स मैगजीन ने हाल ही में 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की और इसमें टॉप पर रहा है काइली जेनर वो पहले स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर है कान्य वेस्ट तीसरे स्थान पर रोजर फेडरर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस सूची में चौथे स्थान पर है लेकिन भारत का एकमात्र अभिनेता वो है अक्षय कुमार वो बावनवे स्थान पर रहा है तो चलिए बात करते हैं मैगज़ीन ने साल 2020 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलेब्स की लिस्ट जारी कर दी है और इमेज में आप देख सकते हैं फॉर्ब्स की फ्रंट पेज पर जिसका नाम है काइली जेनर और इस लिस्ट में टॉप पर टीवी स्टार और कॉस्मेटिक बिजनेस टाइफून काइली जेनर का नाम शामिल है पर और दूसरे स्थान पर कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन महज सिर्फ 23 साल की कायली जेनर ने इस साल 540 मिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 40 अरब रुपए की कमाई की है कायली जेनर ने और वो टॉप पर है और दूसरे स्थान पर कायली जेनर के बाद दूसरे नंबर पर उनकी ही सौतेली बहन जिसका नाम है किम कार्दशियन के पति किम कार्दशियन के पति और रैपर कान्या वेस्टकन कान्या वेस्ट का नाम शामिल है और इस साल कान्या ने 170 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग साढ़े बारह अरब रुपए की कमाई की है और उन्होंने दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की भी बात कही थी लेकिन बाद में नाम वापस ले लिया और फॉर्ब्स लिस्ट में मशहूर टेनिस प्लेयर कौन रोजर फेडरर वो तीसरे नंबर पर है और पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथे स्थान पर और अर्जेंट अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी पांचवें स्थान पर है और हमारे अक्षय कुमार इस लिस्ट में बावनवे नंबर पर जगह बनाए है भारत देश के ने। ओके। सन डांस फिल्म फेस्टिवल कहा आयोजित किया जाएगा सन डांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा अमेरिका में यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका में यह सन डांस फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा और सनडांस एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि स्वतंत्र कलाकारों को खोजकर दर्शकों को परिचित कराती है और सन डांस फिल्म फेस्टिवल 28 जनवरी से 3 फरवरी 2021 तक अमेरिका के पार्क सिटी में होगा कहां पर अमेरिका के पार्क सिटी में और यहां पर पढ़ सकते हैं सन डांस फिल्म फेस्टिवल अमेरिका में आयोजित किया जाएगा और फायर इन द माउंटेन और राइटिंग विद फायर नामक दो भारतीय फिल्मों को अगले साल जनवरी फरवरी में होने वाले सन डांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है तो यह हमारी भारतीय मूवीज का नाम आपको याद रखना है फायर इन द माउंटेन और दूसरी मूवी है राइटिंग विद फायर दोनों भारतीय फिल्मों को इस फेस्टिवल के लिए चुना गया है और जब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका से जुड़े आज कुछ नए फैक्ट मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा अमेरिका और अमेरिका में कुछ प्रमुख संस्थान या संगठन है और इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में स्थित है तो याद रखो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और यूनिसेफ यूनिसेफ जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंग्टन डीसी में इतना आपको याद रखना है पांच क्वेश्चन 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी करने जा रहा है कतर देश यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कतर और यहां पर पढ़ सकते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने हाल ही में यह डिसीजन लिया सऊदी अरब और कतर दोनों के बीच में हाल ही में वोटिंग हुई और आखिरकार 2030 में चुना गया कतर को कतर की राजधानी दोहा 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी करेगी जबकि इसके चार साल बाद 2034 में इन खेलों का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा तो यह फैक्ट हमें याद रखना है 2030 में कहा पर कतर की कैपिटल दोहा में 2034 में कहा पर सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में यह एशियन गेम्स का आयोजन होगा और सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवादों के बीच मतदान संपन्न हुआ और एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि यह या एशियन गेम्स की आम सभा की मेजबानी किसने की है ओमान देश ने की है और बात करते हैं दोस्तों एशियाई ओलंपिक परिषद तो एशियाई ओलंपिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है इमेज में आप देख सकते हैं शेख अहमद अल फहद अल सबाह जो एशियाई ओलंपिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष है नाम थोड़ा लंबा है शेख अहमद अल फहद अल सबा और कतर में 2022 में फीफा विश्व कप की भी आयोजन किया जाने वाला है कहां पर यह फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहां पर आयोजित होगा कतर देश में आयोजित होगा छठा क्वेश्चन हाल ही में हिमालय के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के स्पीति में कौन सा पशु पहली बार देखा गया हिमाचल प्रदेश के स्पीति जो एक ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है वहां पर हिमालयन सिरो को पहली बार देखा गया इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमालयन सिरो इमेज में आप देख सकते हैं हिमालयन सिरो बकरी गधा गाय तथा एक सुअर के समान दिखता है जो आप इमेज में देख सकते हैं और यह बड़े सिर मोटी गर्दन छोटे अंग खच्चर जैसे कान और काले बालों वाला एक मध्यम आकार का स्तनपायी प्राणी है और हिमालयन सिरो शाकाहारी होते हैं दोस्तों शाकाहारी होते हैं यह प्राणी और हिमालयन सिरो को हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हरलिंग गांव के पास देखा गया था और स्पीति पश्चिम हिमालय के ठंडे पर्वतीय रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है और यह घाटी समुद्र तल से औसतन 4,270 मीटर की ऊंचाई पर है और यह पहली बार है जब हिमालय हिमाचल प्रदेश में सिरो को मानव द्वारा देखा गया हो पहली बार देखा गया है इमेज में आप देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल निम्न में से किस नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने आपको लगभग सात आठ मंथ पहले ही बताया था दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर जो एक साल बाद बनकर तैयार हो जाएगा और हाल ही में फिर से सुर्खियों में आया कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चिनाब नदी और इमेज में देख सकते हैं नदी पर यह बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले कौन सा रियासी जिले में चेनाब नदी के ऊपर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के अगले वर्ष पूरा होने हो जाने की उम्मीद है और यह रियासी जिले के बक्कल और कोवरी गांव के बीच एक हजार तीन सौ पंद्रह मीटर लंबा कितना एक हजार तीन सौ पंद्रह मीटर लंबा रेल पुल तकरीबन तीन सौ उनसठ मीटर की ऊंचाई पर है यानी कि यह या नदी की सतह से तीन सौ उन... उनसठ मीटर ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई जो मैंने आपको बताई और यह बारामूला से उधमपुर कटरा और काजीगुड के रास्ते जम्मू कश्मीर को जोड़ेगा और यह रास्ता साढ़े छह घंटे में पूरा हो जाएगा जो इमेज में आप देख सकते हैं बनकर तैयार हो रहा है किस नदी पर चिनाब नदी पर और चिनाब की बात करें तो आप यहाँ देखिए यहां पर दोस्तों है यह इंडस रिवर और यहाँ इंडस रिवर से मिलती है चिनाब और चिनाब है यहाँ हिमाचल प्रदेश में दो नदियों से आगे जाकर एक नदी बनती है और यह दो नदियां है चंद्रा और भागा चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपर हिमालय में टांडी में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है और वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम क्या था तो भारतीय लोग अश्किनी या ईसकमती के नाम से यह चिनाब नदी को जानते थे आठवा क्वेश्चन हाल ही में इसरो ने संचार उपग्रह सी एम का प्रक्षेपण कहा से किया दोस्तों यह कल कल 3 बजकर 41 मिनट पर यह लाइव डेमो मैंने देखा था टीवी पर और सीएमएस01 को सफलता पूर्वक प्रक्षेपित किया गया श्रीहरिकोटा से और किस व्हीकल की मदद से यहां आप देख सकते हैं पीएसएलवीसी50 की व्हीकल की मदद से यह सीएमएस01 को प्रक्षेपित किया गया यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीहरिकोटा और संचार उपग्रह सीएमएस01 को सत्रह सितंबर को तीन बजकर इकतालीस मिनट पर लॉन्च किया गया और यह पॉलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अभियान था और सैटेलाइट की बात करें तो निकोबार और लक्षद्वीप के लिए विस्तारित सी बैंड सेवाएं प्रदान करने का काम करेगा यह सैटेलाइट और यह भारत का बयालीसवा संचार उपग्रह है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संचार उपग्रह सी एम एस जीरो वन को प्रक्षेपित किया गया और जब प्रक्षेपित किया है इसरो की टीम ने इसरो का पूरा नाम क्या होता है The Indian Space Research इस रो के अध्यक्ष कौन है KC1, इमेज में आप देख सकते हैं उन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद तुरंत मीडिया को संबोधित भी किया और उन्होंने इक्यावनवा जो मिशन है उनके बारे में भी बात की और इसरो की स्थापना 15 अगस्त उन्नीस को हुई इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है इसरो के स्था, स्थापक कौन है विक्रम अंबालाल सारा इमेज में आप देख सकते हैं और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो इसरो का आदर्श वाक्य है नवा क्वेश्चन भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जी हाँ हमारे भारत देश में मनरेगा के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ एक अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हैं भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 1 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए और कोविड-19 महामारी पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने में इस कार्यक्रम से सरकार को मदद मिलेगी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और जब समझौता हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई 15 जुलाई 2014 में और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है चीन के शंघाई में और इसके वर्तमान हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं मार्कोस ट्राइजो जो ब्राजील देश के हैं और उन्होंने के वी कामत का स्थान लिया जो हमारे भारत देश के अध्यक्ष थे लेकिन अब मार्कोस ट्राइजो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं रूस ब्राजील भारत साउथ अफ्रीका एंड चीन यह है ब्रिक्स के सदस्य कंट्री जिन्होंने यह न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की और इस बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी क्वेश्चन भारत किसकी सहायता से नए अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन तैयार करेगा जी हाँ हमारे रक्षा के मामले में एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है कि छह नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेट तैयार करेगा रूस इसराइल और जापान बिल्कुल नहीं हम आत्मनिर्भर है यानी कि हमारी देश की डी के द्वारा प्लान तैयार किए जाएंगे यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन में से कोई नहीं क्योंकि भारत स्वदेशी रक्षा इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए छह नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लान बनाने जा रही है और इस एयर इंडिया के विमानों पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जा रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर भारतीय वायुसेना की निगरानी की क्षमता बढ़ाई जा सके और इसी तरह की हाल ही में नई सिस्टम विकसित की जाएगी यह एयर इंडिया के प्लान के ऊपर और इसके लिए डीआरडीओ एयर इंडिया फ्लाइट से छह विमानों को खरीदेगा और उन्हें राडार के साथ उड़ान भरने के लायक बनाया जाएगा ताकि सशस्त्र बल इसके जरिए 360 डिग्री तक निगरानी कर सके जी हाँ तीन डिग्री तक निगरानी कर सके इसीलिए डीआरडीओ के द्वारा इस तरह के छह प्लेन खरीदे जाएंगे और बात करते हैं डीआरडीओ की इसका पूरा नाम क्या होता है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई उन्नीस को और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर डी भवन बोले तो नई दिल्ली में स्थित है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम और डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है जरावा क्वेश्चन हाल ही में श्रीपति खान चनेले का निधन हो गया वे कौन थे श्रीपति खान चनेले ने एक जाने-माने पहलवान थे यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जाने-माने पहलवान इमेज में आप देख सकते हैं नाम मत भूलिएगा श्रीपति खान चनेले साल उन्नीस में भारतीय पहलवान श्रीपति खान चनेले ने दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम में पहलवान रुस्तम ए पंजाब कौन बट्टा सिंह को हराकर हिंद केसरी का खिताब जीत लिया था और प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब भारतीय कुश्ती का दुनिया में सर्वोच्च सम्मान है और श्रीपति खान चनेले महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले शिव छत्रपति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे इमेज में आप देख सकते हैं बारहवा क्वेश्चन केंद्र सरकार किसकी सहायता से एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एवं कॉमिक क्षेत्र के लिए शिक्षा केंद्र की स्थापना करेगी हमारी भारत देश की सरकार आईआईटी बॉम्बे की सहायता से इस तरह के एक क्षेत्र की स्थापना करेगी यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स क्षेत्र के लिए सरकार जो उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगी तो यह केंद्र आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से खोला जाएगा यहाँ पर छात्रों को अत्याधुनिक और विश्व स्तर की शिक्षा की सुविधा मिलेगी और देसी फिल्मों में एनिमेशन और ग्राफिक्स का इस्तेमाल बढ़ेगा इस केंद्र में बच्चे पढ़ने आएंगे तो और बात करते हैं आई बॉम्बे की आई बॉम्बे के निदेशक कौन है चौधरी इमेज में देख सकते हैं और आई बॉम्बे की स्थापना 1958 में हुई आईआईटी बॉम्बे के चेयरमैन कौन है दिलीप इमेज में आप देख सकते हैं तेरवा क्वेश्चन एशिया पैसेफिक प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष किसको चुना गया है एशिया पैसेफिक प्रसारण संघ यानी कि एशिया पैसेफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है हाल ही में शशि शेखर वेम्पटी को यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शशि शेखर वेम्पटी इमेज में आप देख सकते हैं और शशि शेखर वेम्पटी को हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने बधाइया भी दी क्योंकि प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पटी अब उच्च स्थान पर पहुंच गए हैं और वे अब एशिया पैसेफिक प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष चुने गए और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने उन्हें बधाई दी है चौदह क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा साल 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा हाल ही में पांच श्रेणियों में यह 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किए गए यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पांच कैटेगरी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने साल 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के छह पुरस्कारों की घोषणा की जो यूनाइटेड नेशंस का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान होता है छह व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया लेकिन पांच कैटेगरी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पांच कैटेगरियों में छह व्यक्तियों को प्रदान किया गया है इसमें एक कैटेगरी का नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अ... लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी इसमें अमेरिका के प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड को सम्मानित किया गया प्रेरणा और कार्यवाही श्रेणी में दो व्यक्ति एक बुर्किना फासो देश के याकोबा सउदोगो को मिला और एक इक्वाडोर के निमानते नेनक्विमो को मिला और नीति नेतृत्व कैटेगरी में यह PG के प्रधानमंत्री फ्रेंक रामा को मिला और उद्यमी दृष्टि की श्रेणी में अमेरिका के मुंडी लुबेर को मिला और विज्ञान और नवाचार की श्रेणी में जर्मनी के डॉक्टर फेबियन एलेंड्स को मिला है लियंडर्स को और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम वर्ष 2005 से अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान कर रहा है और जब यू एन ई पी के यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के जिसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है कैनिया के नैरूबी में और यू एन ई पी के निदेशक कौन है इंगर एंडरसन जो इमेज में आप देख सकते हैं और यू एन ई पी की स्थापना पांच जून 1972 को हुई पंद्रह क्वेश्चन हाल ही में एम्ब्रोस डाइमिनी का निधन हो गया वे किस देश के प्रधानमंत्री थे इमेज में आप देख सकते हैं एम्ब्रोस डाइमिनी वो एस्वातिनी देश के प्रधानमंत्री थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है और वह यह अफ्रीका का एक कंट्री है एस्वातिनी दक्षिण अफ्रीका के एक देश एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है और उन्हें अक्टूबर 2018 में देश के दसवें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था तो यह साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है एसवेना और इसके आसपास में साउथ अफ्रीका और यहाँ पर दोस्तों है मोजाम्बिक इन जैसे देशों से गिरा हुआ है और एसवाति जिसकी दो कैपिटल है मेबाबेन और लोबम्बा दो कैपिटल और एशवाति की करेंसी क्या है स्वाजी गैनी सोलहवा क्वेश्चन अंगारा ए फाइव रॉकेट किसने लॉन्च किया अंगारा ए फाइव रॉकेट लॉन्च किया है रूस देश ने यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस हाल ही में रूस ने अंगारा ए फाइव हैवी लिफ्टर रॉकेट को लॉन्च किया और इससे पहले परीक्षण उड़ान के छह साल बाद इसे लॉन्च किया गया है इस रॉकेट को 14 दिसंबर को उत्तरी रूस के प्लेसेट कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया और अंगारा रॉकेट रूस को भूस्थिर परिक्रमा उपग्रह को लॉन्च करने में सक्षम बनाएगा और यह रॉकेट पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग करता है जिसे हाल ही में किया गया के द्वारा। इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी किसको नियुक्त किया है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी उदय कोटक को फिर से नियुक्त किया यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उदय कोटक भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उदय कोटक को पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी और कोटक बैंक के संस्थापक प्रबंध निदेशक और प्रमोटर कौन है उदय कोटक और इसके अतिरिक्त आरबीआई ने अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन प्रकाश आप और दीपक गुप्ता को तीन साल की अवधि के लिए बैंक का संयुक्त एमडी नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो इस बैंक की स्थापना 2003 में हुई कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है लेट्स मेक मनी सिंपल कोटक महिंद्रा बैंक की यह टैगलाइन है और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आरबीआई में से किस शहर में स्वचालित बैंक केंद्र स्थापित करेगा हमारी आरबीआई जयपुर में स्वचालित बैंक केंद्र स्थापित करेगा यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था जयपुर और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है पारस राम थम्बारे भिखा भाई रबारी राजकुमार गौंड वसावा हसीला गोहिल अरविंद कुमार हंसराज कालसी मावी नीलू बारिया ऑफिशियल वेचत राठवा और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वलवाई जगदेश प्रजापति दिनेश भाई आकाश लिंबाचिया नीलेश पाटनवाडिया डी डी गैमर सोनल टोडिया परेश लादवा विवेक ए इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है जयपुर बोले तो पिंक सिटी और जयेश चौधरी एस एम राठौर करण प्रजापति आर्मी लवर जिसका सही नाम है परमार संजू उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया पटेल उर्वशी तरल अजमेल प्रदीप परनालिया और रजनीकांत दूसा इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर निम्ना में से किस लड़की ने यूनिको बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है आप इमेज में एक देख सकते हैं एक 10-12 साल की लड़की जिसका नाम हाल ही में यूनिको बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है इस लड़की का नाम क्या है सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में और वीडियो अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलेगा साढ़े चार पांच घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आपसे एक छोटी सी ही उम्मीद रखता हो इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए चलिए कल मिलते हैं नए करंट अफेयर वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद